शनिवार को शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ उपाय करेंगे, जिससे कि अगर हमारे ऊपर शनि की साढ़े सतिया है, शनि की ढैया है, या शनि ग्रह जन्म कुंडली में सही नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर हम कुछ उपाय करेंगे जिससे कि शनि ग्रह की शांति होगी और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी उनमें, ना ही कोई विलंब होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले तो शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाना है शाम के समय। शाम के समय अगर आप तेल का दिया जलाओगे तो उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप शनि मंदिर में भी जाकर तेल का दिया जला सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। यह आपको शाम को करना है, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि के साढ़े सती या ढैया में भी आराम मिलता है। ये आपको प्रत्येक शनिवार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे करते ही रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम एक उपाय और कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन आपको एक लोहे के पात्र में सरसों का तेल डालना है और उसमें आपको अपना चेहरा देखना है। चेहरा देखकर उस तेल को या तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या कोई अगर शनिवार वाले दिन आप इसे शनि मंदिर में भी दान कर सकते हैं, या जो शनि देव वाले आते हैं उनको भी दान कर सकते हो। तो ये जो है आप करोगे तो इससे आपका शनि का छायादान हो जाएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। शनि की ढैया हो चाहे शनि की साढ़े सती हो, ये आप भी छायादान कर सकते हैं। एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं, आप शनिवार वाले दिन सतनजा लेकर, चाहे वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लीजिए, जितना आप ले सकते हो आप उतना लीजिए और उसे शनि देव के मंदिर में शनिवार के दिन चढ़ाइए। ये भी एक उपाय बहुत अच्छा है, जिससे आपके शनि ग्रह की शांति होगी और आपके कार्यों में जो विलंब होता है वो नहीं होगा और आपके कार्य शीघ्र बनने लगेंगे इन उपायों के करने से। ये उपाय बहुत ही सरल हैं, आसान हैं और अगर आप इन्हें करोगे नियमित रूप से तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। अब आप एक उपाय मैं आपके लिए और बता रही हूँ कि आप ये उपाय भी कर सकते हैं, जिससे कि शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके जन्म कुंडली के अनिष्ट कारक जो भी दोष हैं वो दूर होंगे शनि ग्रह से होने वाले जब शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे। तो उसके लिए आपको एक उपाय ये करना है कि आपको चने लेने हैं और साथ में गुड़ लेना है, वो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर उसे दान कीजिए। आप गरीब लोगों को दे सकते हो, शनि मंदिर में दे सकते हो, और एक आप गरीब लोग हैं या जो जिनको आपकी सहायता चाहिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, शनिवार वाले दिन आप उन्हें खाना खिलाइए। सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसे आप करोगे तो इसको बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। शनिवार को आप जितना दान पुण्य कर सकते हो वो करिए, उससे आपको उतने ही शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके कार्यों में जो भी विलंब हो रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, चाहे वो विवाह का है, बिजनेस का है, नौकरी का है, या कोई और समस्या है, कोई बीमारी की है, वो भी ठीक हो जाएगी शनि ग्रह के इन उपायों से। पर ये उपाय आप निरंतर करते रहिए तभी आप इसको इसमें लाभ मिलेगा। इसे आप लगातार करोगे तभी इन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा और ये अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। बहुत ही सरल से उपाय हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।